हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकी व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ रानी की छतरी में, जो कि बल्लभगढ़ में बनी हुई है। ये रानी की छतरी का पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा इसकी कि कितनी टिकट है, क्या टाइमिंग है, पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा रानी की छतरी, तो इसका क्या इतिहास है वो हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो दिल्ली मथुरा जो हाईवे है उसके बिल्कुल किनारे पे है ये रानी की छतरी। सामने आप देख पा रहे होंगे, ये बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन है। तो इस मेट्रो स्टेशन पे उतर के आप वहाँ से पैदल पैदल भी यहाँ तक आ सकते हैं। वहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पे है ये रानी की छतरी। तो दोस्तों, इस टाइम मैं रानी की छतरी की छत पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका व्यू कैसा दिखता है। जब आप यहां पे पहुंचेंगे तो सामने आपको ये जो पीली बिल्डिंग दिख रही है, ये है यहां का सरकारी हॉस्पिटल। जी हां, ये बल्लभगढ़ का सरकारी हॉस्पिटल है। तो इसके साथ में ही है ये रानी की छतरी। अब इसका रेनोवेशन का काम पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में आपको दिख रही होगी, लेकिन कुछ टाइम पहले इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैं आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है इसकी पुरानी तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हालत में है ये। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने यहाँ पे रेनोवेशन का काम किया और उसके बाद यहाँ का बिल्कुल कायाकल्प हो चुका है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कितना काम किया गया है। दोस्तों, इस इमारत को बनाने में लाल बलुआ पत्थर और छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। सामने आप देख पा रहे होंगे, छोटी छोटी ईंटें आपको दिख रही होंगी। जैसा कि इतिहासकारों का कहना है कि ये जो रानी की छतरी है, ये करीब करीब 300 साल पुरानी इमारत है। जब आप इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो राजा नाहर सिंह थे, इन्हीं के वंशज में से एक राजा की रानी ने अपने राजा की याद में इस छतरी को यहाँ पर बनवाया था। सामने आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर काफ़ी बड़ा तालाब आपको दिख रहा होगा। एक टाइम में यहाँ पर काफ़ी सारा पानी हुआ करता था इस तालाब में, और यहाँ पे राजा नाहर सिंह की जो रानी थी वो यहाँ पे स्नान करने के लिए आया करती थी, और उसके बाद रानी की जो छतरी है ऊपर, वहाँ पे जाके भगवान की पूजा किया करती थी, वहाँ पे दीपक जलाया करती थी। और यहाँ पे जो पानी भरने का काम है वो आगरा नहर के थ्रू किया जाता था। यहाँ पे आगरा नहर से साफ पानी भरा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम टिकट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई भी यहाँ पे आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आप यहां पे आना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आप यहां पे कभी भी आ सकते हैं। अब आपको ये अंदर से दिखाते हैं, आप देख सकते हैं अंदर से ये गैलरी बनी हुई है और ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है। दोस्तों, ये देखिए, सामने आपको कुछ खिड़कियां दिख रही होंगी, ये कुछ कमरे बने हुए हैं इस तरीके के। ये देखिए अंदर का नज़ारा। यहाँ से चलेंगे अब हम ऊपर, और छत पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। और ये बीचों बीच वाइट पत्थर से बनी हुई है ये दोस्तों रानी की छतरी। और इसी गुम्मत के बीच में दोस्तों एक जगह है, ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, ये है वो गुम्मत, और इसके बीचों बीच में वो जगह है जहाँ पे वो दीपक जलाकर पूजा किया करती थी। ये देखिए, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, और ये रही वो जगह, और इस पर आप नक्काशी देख सकते हैं, काफ़ी बारीक काम किया गया है इसके ऊपर। और इस रानी की छतरी से कुछ ही दूरी पर दोस्तों राजा नाहर सिंह महल भी आप देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे इस छतरी देखने के लिए आएँ तो यहाँ से कुछ दूरी पे जाके आप वो महल को अवश्य देखें। ये देखिए, फर्श के ऊपर भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आपको दिख रही होगी, 300 साल पहले कितना अच्छा डिज़ाइन ये बनाया गया था। दोस्तों, इस जगह की मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और भी अलग अलग जगह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं, अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें